ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में जो ये एक्स्ट्रा है ना, वो एक्स्ट्रा किसी की एक्स्ट्रा मेहनत है जो उसे दूसरों से बेहतर और अलग बनाती है। क्योंकि कहने को तो मेहनत सब करते हैं मगर फल हर किसी को नहीं मिलता, यहाँ कमाना पड़ता है ना। यूं कह रात में किसी को कुछ नहीं मिलता, इसीलिए कुछ शख्स ऐसे होते हैं जो अपने काम से तहलका मचा देते हैं, जिनका दिमाग और जिनकी इंटेलिजेंस कुछ एक्स्ट्रा होती है। एक ऐसे ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी शख्स जिन्होंने फिजिक्स को एक अलग मुकाम तक पहुंचाया, जिनका काम देख आइंस्टाइन ने भी उन्हें अपने पास बुलाया। कोलकाता के एक साधारण से परिवार में जन्मे सत्येंद्र नाथ बोस, जिनका आज 126वां जन्मदिन है। दोस्तों, वो थ्री इडियट्स का डायलॉग क्या है कि बेटा काबिल बनो काबिल, कामयाबी तो झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। ये सत्येंद्र नाथ बोस की काबिलियत ही तो थी जो उन्हें आइंस्टाइन के साथ ले आई थी। सपने पूरे हो रहे थे उनके, क्योंकि उनके सपनों में जान आ गई थी। फिर क्या था, बोस और आइंस्टाइन ने साथ मिलकर ऐसा काम किया जो आने वाली जनरेशन को इंस्पायर कर गया। आज बोस आइंस्टाइन थ्योरीज पूरे वर्ल्ड में सिखाई जाती हैं। आइंस्टाइन के कहने पर बिना पीएचडी के ढाका यूनिवर्सिटी का एचओडी बनना उनकी काबिलियत ही तो दिखाती है, क्योंकि आइंस्टाइन को खरे सोने की पहचान थी। वो जानते थे कि जो काम बोस कर सकते हैं वो बड़े बड़े पीएचडी होल्डर भी नहीं कर सकते, और यही तो उनकी सबसे बड़ी जीत थी। हर पल कुछ नया सीखना ही तो उनकी सबसे बड़ी भूख थी। मगर कहते हैं ना, ज्ञानी वो नहीं जिसके पास ज्ञान हो, ज्ञानी वो है जो अज्ञान को दूर करे। इसीलिए वो उस खाली समय में गरीब बच्चों को साइंस पढ़ाते थे, क्योंकि बोस मानते थे कि साइंस हम सब की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। जो इसे समझ गया उसके लिए हर दिन एक नया किस्सा है। बोस को वैसे तो नोबेल प्राइज नहीं दिया गया मगर भारत ने उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा। दोस्तों, अगर ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी का ये गैप मिटाना चाहते हो तो कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। हर रोज की एक छोटी सी कोशिश ही आपको दूसरों से अलग और बेहतर बनाएगी, वरना ये भीड़ में चेहरे सब एक से लगते हैं। अरे कुछ करते हैं वही जो भीड़ से लग चलते हैं, जो भीड़ से लग चलते हैं।